हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज से मैं प्ले करने जा रहा हूँ गॉड्स वी प्ले अ गेम, जो एनिमे हाल ही में रिलीज हुई है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ खोजी लोगों को देखते हैं जो कि एक बर्फीली जगह पर आए हुए थे कि तभी वहाँ पर एक धमाका होता है, जिसके बाद ये लोग जब उसके सामने जाते तो देखते हैं कि वहाँ पर एक बर्फ के अंदर एक लड़की फंसी हुई है। अब ये खोजी लोग इसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और अपने साथियों को कहते हैं कि यहाँ पर एक लड़की फंसी हुई है। कि तभी वे लड़की बोलने लगती है और कहती है कि क्या इतने साल हो गए, मैं तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही सोई थी। अब इस बात को सुनकर ये लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, जिस पर वे लड़की कहती है कि लगता है कि तुम लोग चौंक गए हो। अब इस बात को सुनकर वे खोजी लोग डर के मारे वहीं पर गिर जाते हैं और पूछते हैं कि बताइए आप कौन है, जिस पर वे लड़की कहती है कि मैं एक गॉड हूँ जो कि इस बर्फ में हजारों साल से फंसी हुई हूँ, लेकिन शायद अब ये मायने नहीं रखता, तो जाओ मेरे लिए इस दौर के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को लेकर आओ। अब इसके बाद एक शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक रिपोर्टर बता रहा होता है कि ये पहली बार हुआ है कि तीनों गॉड गेम एक बार में प्ले किए गए हैं और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब हमें कुछ शहरी लोगों को दिखाया जाता है जो कि उसी गॉड गेम को टीवी पर देख रहे होते हैं। अब इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि 6 महीने बाद इस शहर में वापस आया हुआ था कि तभी उसकी नजर उसी गेम के लाइव टेलीकास्ट पर जाती है। अब इसे देखकर यान कहता है कि गॉड्स गेम चल रहे हैं, लेकिन ये तो कमाल हो गया है कि तीनों गॉड्स गेम एक बार में ही चल रहे हैं। अब हमें उसी गॉड्स गेम को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ प्लेयर उसे खेल रहे होते हैं, जहाँ अलग अलग गॉड्स गेम में अलग अलग प्लेयर गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी उस गॉड्स गेम में टिक नहीं पाते और हार जाते हैं। अब हमें उन्हीं प्लेयर के निराशाजनक शक्लों को दिखाया जाता है। अब इस लाइव टेलीकास्ट को देखकर यान सोचता है कि मुझे भी वहाँ पर होना चाहिए था। इससे हमें पता चलता है कि यान भी एक गॉड गेम प्लेयर है। कि तभी वहाँ पर दूसरे लोग यान को देखकर कहते हैं कि कहीं ये वही तो नहीं ना है, फेमस गॉड गेम प्लेयर जिसने कि तीनों गॉड को एक ही बार में हराया था। अब लोगों को देखकर यान से निकल जाता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता और हमें यहाँ के मेन ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे गॉड गेम प्लेयर आए हुए थे कि तभी यान भी वहाँ पर आ जाता है। अब यान को देखकर बाकी सब सोचते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर एक लड़का कहता है कि ये तो यान है, द फेमस गॉड गेम प्लेयर। अब इसके बाद यान अंदर जाने लगता है कि तभी यान के सामने यहाँ की एक मैनेजर आ जाती है और वे कहती है कि वेलकम बैक यान, 6 महीने बाद तुमसे मिल रही हूँ, जिस पर यान कहता है कि तुम ये क्या बकवासी सवाले पूछ रही, तुम बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है, जिस पर ये मैनेजर कहती कि जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे थे वे नहीं मिली इसीलिए तुम्हारा मूड खराब है ना, जिस पर यान कहता है कि तुमने सही कहा, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें एक लड़की मिली है जो कि उसी की तरह दिखती है। अब इस पर ये मैनेजर कहती है कि हो सकता है कि ये वही लड़की हो जिसने कि तुम्हें बचपन में गेम खेलना सिखाया था, लेकिन ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, तो 15th फ्लोर पर चले, जिस पर यान कहता है आपको किस बारे में बात करनी, जिस पर मैनेजर कहती है कि और किस बारे में बात करनी, इंसानों और देवताओं के बीच में होने वाली गेम के बारे में बात करनी है। अब इसके बाद ये दोनों लिफ्ट पर चढ़ आते हैं जहाँ पर वे मैनेजर कहती है कि मैं तुम्हें एक लड़की से मिलवाना चाहती हूँ जिसने कि साफा कहा है कि मुझे इस दौर के सबसे अच्छे और बेस्ट प्लेयर को लेकर आओ और मेरे हिसाब से वे प्लेयर तुम हो, जिस पर यान कहता है कि कौन है वे लड़की, इस पर मैनेजर कहती है कि वे एक देवी है, आज से करीब 1 साल पहले वे लड़की हमें एक बर्फीली जगह पर जमी हुई मिली थी और जो कि एक देवी है, जिस पर यान कहता है कि उसे तो हमारे आर्केन कोर लेके गए थे ना, क्योंकि आर्केन कोर वहाँ से बहुत ही ज्यादा नजदीक है, जिस पर वे मैनेजर कहती है कि वे थोड़ा अजीब थी, कुछ इंसानों के साथ लुका छुपी खेलते वक्त वे फ्लोर पर जाकर छुप गई और हल्की सी झपकी लेने की वजह से वे 1000 साल तक सोते रह गई, इसीलिए इस बात में जरा से भी शक नहीं है कि वे एक देवी है और अगर उसे गुस्सा आ गया तो वे एक ही बार में हमारी पूरी सिटी को जला कर रख देगी, लेकिन उसने कहा है कि बर्फ में सोने की वजह से उसकी शक्तियाँ कम हो गई है, लेकिन वे अभी भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पर उसने कहा है कि इस दौर के सबसे अच्छे प्लेयर को उसके सामने लेकर आया जाए, इसीलिए हमने तुम्हें चुना है ताकि तुम उसके सामने और उस पर नजर रखो। अब इस बात को सुनकर यान बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब हमें उसी मैनेजर और अज्ञान को दिखाया जाता है जो कि उसी देवी की रूम की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी जाते जाते वे मैनेजर कहती है कि सबसे ताकतवर कहे जाने वाले देवताओं ने इस धरती पर जन्म लिया है और हम इंसानों को इसकी वजह नहीं पता है, इसीलिए हमें बस ये जानना है कि वे अभी भी यहाँ पर क्यों हैं, इसीलिए बस तुम्हें उन पर नजर रखनी है और सच बताओ तो लेकिन तुम ही सिर्फ इस काम को कर सकते हो, आम इंसान तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, जिस पर यान कहता है कि शायद ये इसीलिए क्योंकि मैं मर नहीं सकता, जिस पर वे मैनेजर कहती है कि हाँ क्योंकि देवताओं की शक्तियों के सामने एक नॉर्मल इंसान तो भस्म हो जाएगा, इसलिए हमने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हें ये वरदान है कि तुम कभी नहीं मर सकते हो, और तभी वे मैनेजर उस देवी की रूम को खोल देती है। अब हमें उस देवी के रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे वीडियो गेम रखे हुए थे, जिसे देखकर यान कहते हैं ये क्या, यहाँ तो बहुत सारे वीडियो गेम रखे हुए हैं, लगता है ये देवी गेम खेलने की बहुत ही ज्यादा शौकीन है। अब यान अपने डाइस के कुछ करतब को मैनेजर को दिखाने लगता है जिसे देखकर मैनेजर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, जिस पर यान उसे समझाने लगता है कि ये कैसे हुआ,
कि तभी वहाँ पर देवी आ जाती है और जिसे देखकर यान बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब हमें इसके फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ की वे बच्चा था और इसे कोई गेम खेलना सिखा रहा था। अब माई कहती है कि मिरांडा तो क्या ये वही है, जिस पर वे मैनेजर कहती है कि हाँ ये हमारे दौर का सबसे अच्छा प्लेयर है, पिछले साल के डेब्यू के बाद ये हमारी 3 गॉड्स गेम जीत चुका है और ये हमारे सारे प्लेयर्स में सबसे ज्यादा अच्छा है और इसका नाम यान है और इसने आज ही हमें ज्वाइन किया एक सुपरवाइजर के तौर पर। अब वे यान को कहते है कि यान जल्दी से इन्हें हेलो कहो, लेकिन यान अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वे सोच रहे होते कि ये तो उसी की तरह दिखती है कि तभी मैनेजर कहती है कि होश में हो तुम, ये क्या कर रहे हो। तभी माई यान को देखकर कहती है कि क्या हो गया, क्या कोई बात है क्या। तभी वे मैनेजर ये कहकर वहाँ से खिसक लेती है कि मुझे आज बहुत ही ज्यादा काम करना है, इसीलिए तब तक तुम दोनों एक दूसरे को जान लो, और भी इतना कहती वहाँ से चली जाती है। तभी यान पीछे मुड़कर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, जहाँ वे देखता है कि माई वहाँ पर नहीं थी। तभी माई ऊपर से उड़कर यान के सामने आ जाती है और भी उसके सामने आते ही कहती है कि चलो गेम स्टार्ट करते हैं, जिस पर यान कहता है कि लेकिन उससे पहले क्यों ना हम एक दूसरे को थोड़ा जान ले, जिस पर माई कहती है कि हम एक दूसरे को जानेंगे लेकिन इस गेम के जरिए, जिसके बाद माई उस गेम को सेट करने लगती है, जहां यान को उस गेम को देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी गेम है, जिसके बाद वे सोचने लगता है कि ये कौन सी गेम है, जिसके बाद वे कार्ड में लिखे गए वर्ड को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा हुआ था नाम उम्र होम। तभी माई कहती है कि मैं जब बोर हो रही थी तब इसे गेम को बनाया और इस गेम का नाम मैंने सेल्फ इंट्रो मेमोरी रखा है, जिसके बाद यान को समझ में आ जाते है कि ये गेम क्या है। अब इसके बाद माई इस गेम के बारे में यान को बताने लगती है कि इस गेम में एक नाम के 2 कार्ड होंगे, जिसे पेयर करने के बाद तुम उस कार्ड में लिखे गए सवाल मुझसे पूछ सकते हो। जैसे मान लो गेम में मेरा होम कार्ड का पेयर निकला, जिसके बाद तुम मुझसे मेरे होम टाउन और मेरा जन्म कहाँ हुआ इसके बारे में पूछ सकते हो, जिस पर यान कहते है कि हाँ मैं समझ गया। अब माई उन सब कार्ड को सफल करने लगती है कि तभी यान कहता है कि आपने इसे सही से सफल नहीं किया है, क्या आप फिर से इसे एक बार मिक्स कर सकती हैं, शायद आपने बात करते हुए ध्यान नहीं दिया कि टेबल पर कार्ड ऊपर की ओर थे। अब इस बात को सुनकर माई पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये तो कमाल हो गया, तुमने इतनी जल्दी इन सभी कार्डों के लोकेशन को याद कर लिया, जिस पर यान कहता है ये तो मेरी आदत है, मेरे गुरु ने मुझे सभी गेम को कैसे खेला जाए इसके बारे में बताया था। अब इस पर माई कहती है ये तो अच्छी बात है और तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो, क्योंकि तुमने चीटिंग नहीं की और ईमानदारी से खेलना चाहा, तुम चाहते तो तुम इस गेम को आसानी से जीत सकते थे, इसीलिए चलो हम इस गेम को और थोड़ा मजेदार बना देते हैं। और तभी वे सभी कार्डों को कहती है कि हवा में उड़ जाओ और लगातार अपनी पोजीशन चेंज करते रहो। अब इसे देखकर यान बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि सभी कार्ड हवा में उड़ रहे हैं और वे लगातार पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अब माई कहती है कि ये बहुत मजेदार होगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि कौन सा कार्ड कहाँ पर है। अब इस पर यान कहते हैं ये तो बड़ा मजेदार होगा, चलो गेम को शुरू करते हैं। अब हमें मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों को ये गेम खेलते हुए देख रही होती है। तभी वे कहती है कि गेम शुरू हो गया। अब माई कहती है कि चलो गेम शुरू करते हैं और तुम पहला चांस चल सकते हो, जिस पर यान कहता है तो ठीक है मैं वे दोनों कार्ड को चुनूंगा, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों कार्ड अपने आप यान के पास आ जाता है, लेकिन वे दोनों कार्ड मैचिंग नहीं थे क्योंकि यान को होम टाउन और ब्लड टाइप वाला कार्ड मिला था। अब ब्लड टाइप का नाम सुनकर यान माई से पूछता है कि देवताओं का कौन सा ब्लड टाइप होता है।